खबर चुनार से है। चुनार थाना के पास किला मोड़ पर एक बारात के दो गुटों में हुई मारपीट, बारात में हुए झगड़े में बीच बचाव कर वापस लौट रहे करण नामक व्यक्ति के ऊपर नुकीले पत्थर से किया गया वार। आपको बता दें कि चुनार थाना के पास किला मोड़ पर कल बारात के दो गुटों में हुए झगड़े में बीच बचाव कर वापस लौट रहे उस्मानपुर निवासी करण कुमार को पीछे से सिर पर नुकीले पत्थर से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिससे करण के सिर से काफी खून निकलने लगा। वह मौके पर मूर्छित होकर गिर गया। वह बताया जाता है कि हमला करने वाले व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गए। करण के साथियों द्वारा उसे थाने पर लाया गया। वह थाने से रिपोर्ट दर्ज करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेज दिया गया, जहां करण के सिर में कई टांके लगे व हाथ पांव में भी काफी चोटें लगी हैं। पीड़ित के अनुसार हमला करने वाले व्यक्ति सुशील कुमार कुशवाहा पिता लोकनाथ कुशवाहा है, जो कि अपने किसी एक साथी के साथ करण कुमार पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। चुनार से गौतम कुमार खरवार की रिपोर्ट। ये लड़ाई कहां हुआ था आपका? डीजे पे हम लोग बीच बचाव करने के कारण इसके जब रास्ते में आए हम लोग, तो सुशील कुमार एक व्यक्ति है जो हमको रास्ते में रोक कर पथराव से पीछे से आक्रमण किया है। ठीक है, उस्मानपुर का निवासी है लोकनाथ, उनके पिता का नाम है। ठीक है, उनके कारण हमको बहुत ज्यादा सर में चोट लगा। लड़ाई का कारण क्या था? हम लोग दोस्त के एक शादी में गए थे जी? उसमें बीच बचाव करने के कारण दोस्त, जैसे कि दूसरे आपसी मामले उन लोग के चक्कर में हम लोग बीच में गए बचाव करने के लिए, तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। जब हम घर के रास्ते घर जा रहे थे, उसने गाड़ी रोका और हमको पीछे से आक्रमण किया ईंट से। उनका नाम सुशील कुमार और लोकनाथ उनके